हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटर व्लॉग। और आज हम आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं TVS Ntorq रेस XP का। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप TVS Ntorq के सिनेमैटिक शॉट्स को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट की। तो आप जैसा कि आप फ्रंट पे देख सकते हैं, इसमें आते हैं हैलोजन में टर्न इंडिकेटर, उसके साथ में एक छोटा सा ब्लैक वाइजर आता है जिसपे आप TVS स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैचिंग देख सकते हैं, जो कि ब्लूटूथ ऐप है इसकी। उसके नीचे हम थोड़ा सा आए तो यहाँ पे आपको TVS का 3D लोगो दिखेगा और ये पूरा जो है ब्लैक में इसका पार्ट आता है। उसके नीचे हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकरिंग की गई है Ntorq की, और उसके नीचे दिया गया है आपको RTFI, जिसका मतलब होता है रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्टेड। तो उसका थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो आपको इसकी जो है हेडलाइट दिखती है, जो कि पूरी फुली LED है विद उसके साथ में आपको DRL दिखता है। तो अब हम साइड सेक्शन की बात कर लें तो साइड के पैनल पे आपको 125cc रेस XP की स्टिकरिंग मिल जाएगी, और ये पैनल जो है बॉटम का आपको ब्लैक दिखेगा। और उसके साथ ही हम व्हील सेक्शन की बात कर लें तो ये आपको 180 12 इंच का मिल जाएगा विद डिस्क ब्रेक एंड रेड पेंटेड अलॉय मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में हम थोड़ा सा साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लोर बोर्ड पे आपको TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाएगी विद कार्बन फाइबर फिनिश में मिल जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड पैनल पे इसके जो है बड़ी बड़ी बैजिंग दी गई है रेस Ntorq जो, और 125 जो है 3D में लिखा गया है। और उसके साथ में ही आपको जो है यहाँ पे कंपनी फिटेड लेडी फुटरेस्ट आता है, और जो आपका इंजन है वो 3-वॉल्व इंजन है। और ये आप इंजन पे आप देख सकते हैं TVS की बैजिंग लिखी गई है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.2 BHP एंड 10.8 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसमें आता है मोनो सस्पेंशन, जो कि प्रीलोड एडजस्टेबल भी होता है। और इसके साथ आप जो है इसका रियर व्हील देख सकते हैं, इसका टायर सेक्शन है 110/80/12 का आता है। तो अब इससे मूव करते हैं इसके बैक साइड। अपना बूट जो है यहाँ से ओपन कर सकते हैं, अगर आप की को राइट प्रेस करेंगे तो आपका बूट जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको LED लाइट मिल जाएगी, प्लस आपको चार्जिंग पॉइंट स्लॉट मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी डेटा केबल कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं फोन को। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्यूल लीड कैसे ओपन होगा। हम की को हल्का सा लेफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका फ्यूल लीड ओपन हो जाएगा, जो कि 5.8 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। और बात करें हम अगर इस गाड़ी के माइलेज की तो ये अराउंड आपको 45 एवरेज दे देती है। बैक में देख सकते हैं आप इसकी ट्रांसफार्मर शेप LED जो है इसकी टेल लैंप आती है, उसी के साथ में नीचे TVS की 3D लोगो में बैचिंग दी गई है, और साथ में हैलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर, और उसके साथ में ही नंबर प्लेट वाली लाइट्स जो है आपको मिली जाएगी। और ये रियर का है जो इसका आपका मड फ्लैप दिया जाता है। बात करें इसके एग्जॉस्ट की, जो कि फुली ब्लैक मैट फिनिश में आपको दिया गया है, उसके ऊपर ब्लैक में कवरिंग दी गई होगी, और थोड़ी सी आपको जो है क्रोम में भी कवरिंग दी गई है। इसका एग्जॉस्ट काफी बेसी है, जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो बात करें इसके हम मीटर कंसोल की, जो फुली डिजिटल मिलता है आपको, जो काफी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, और जो आपको शो करता है लैप टाइमिंग, उसके बाद फ्यूल कितना है, इंजन टेम्परेचर, टाइम, टॉप स्पीड, जो है आपको सब कुछ ये डिस्प्ले करता है। इसमें आप अपना एक ब्लूटूथ का फीचर आता है जो आप TVS X Connect ऐप से थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ऐप जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगी। उसके बाद हम स्विच की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की स्विच मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे मिलता है आपको किल स्विच, उसके नीचे ही आपको हैजार्ड स्विच मिल जाता है, उसके नीचे ही आपको सेल्फ स्विच मिल जाता है। और लेफ्ट साइड की स्विच की बात करें तो ये हाई बीम, लो बीम एंड टर्न इंडिकेटर, ये हॉर्न स्विच मिल जाता है आपको, ये आपका की स्लॉट जिसमें ऑन ऑफ लॉक का ऑप्शन है, आपको अगर बूट ओपन करना है तो ये आपको की निकालनी पड़ेगी।
तो चलिए मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूं। काफी बेसी साउंड है इसकी, जैसा कि आप सुन सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए मेरी वीडियो को।